हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वंगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमाटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में, तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई, दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज
मुत्तशिर, राजशेखर, सिद्धार्थ, गरिमा, जानी, मनन भारद्वाज, गुरिंदर, सिंगल, आशिम, किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वंगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई, दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी, मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन, किमसन हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशिर, राजशेखर, सिद्धार्थ, गरिमा, जानी, मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी
VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वंगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में, रश्मिका मंदाना बलबीर सिंह के रूप में, अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया है। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशिर, राजशेखर सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वंगा द्वारा सहलिखित, संपादित और
निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई, दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर, सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर
गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर, सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक
रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में, तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशिर, राजशेखर, सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में, तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और
परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया है। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर, सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी की रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में, तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय
इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन, किमसन हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वंगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में
पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया है। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशिर, राजशेखर सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वंगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया है। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो
फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर, सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वंगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई, दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर,
सिद्धार्थ, गरिमा, जानी, मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम केमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वंगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में, रश्मिका मंदाना बलबीर सिंह के रूप में, अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई, दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी, मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशिर, राजशेखर सिद्धार्थ, गरिमा, जानी, मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण
इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वंगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर, सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वंगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और
सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेलवाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में, रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई, दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन, किमसन हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर, सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेलवाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में, रश्मिका मंदाना,
बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशिर, राजशेखर, सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है
जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में, तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया है। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशिर, राजशेखर, सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में, तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक
संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन, किमसन हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी की रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में, तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना।
रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशिर, राजशेखर सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वंगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था।
अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया है। भारतीय शूटिंग मैच के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वंगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई, दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया है। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी
मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन, किमसन हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी की रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वंगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में, तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन, किमसन हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर सिद्धार्थ गरिमा, जानी
मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वंगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई, दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया है। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वंगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई, दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन, किमसन हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर, सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वंगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा
निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेलवाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में, रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर, सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेलवाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में, रश्मिका मंदाना, बलबीर
सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई, दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया है। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशिर, राजशेखर, सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण
नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में, तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन, किमसन हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर, सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी की रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में, तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक
संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन, किमसन हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशिर, राजशेखर, सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में, तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना।
रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए वंदना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया है। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशिर, राजशेखर, सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वंगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था।
अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया है। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वंगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में, रश्मिका मंदाना बलबीर सिंह के रूप में, अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई, दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया है। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी
मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन, किमसन हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई, दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन, किमसन हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर सिद्धार्थ गरिमा, जानी
मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वंगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई, दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी, मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन, किमसन हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर, सिद्धार्थ गरिमा, जानी, मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वंगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में, रश्मिका मंदाना बलबीर सिंह के रूप में, अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई, दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशिर, राजशेखर सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वंगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा
निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेलवाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया है। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशिर, राजशेखर सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स, यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेलवाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर
सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन, किमसन हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर, सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है जिसके कारण
नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में, तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया है। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशिर, राजशेखर, सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में, तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक
संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना। रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फ्रेंड्स यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एनिमल एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा द्वारा सहलिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में अनिल कपूर, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी है। सिनेमेटोग्राफी का संचालन अमित रॉय ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेल्वाराजन ने किया है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो रणवीर कपूर गीतांजलि के रूप में रश्मिका मंदाना, बलबीर सिंह के रूप में अनिल कपूर और बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी हमें इस फिल्म में ये सभी कास्ट करते हुए दिखाई देंगे। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो एनिमल एक परेशान पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंडरवर्ल्ड के अत्यधिक रक्तपात की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके कारण नायक एक मनोरोगी में बदल जाता है। बात करें मूवी के डेवलपमेंट एंड कास्टिंग के बारे में, तो एनिमल को आधिकारिक घोषणा टी सीरीज द्वारा 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा वीडियो के साथ की गई, जिसमें अभिनेता रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा कलाकार थे और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा थे। कुछ दिनों बाद तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में अभिनय करने की सूचना मिली। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना ने परिणीति चोपड़ा की जगह ले ली, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बजाय इम्तियाज अली की चमकीला को चुना।
रणवीर की पत्नी गीतांजलि का किरदार निभाने के लिए मंदाना को चुना गया है। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में था और फिल्मांकन जुलाई 2022 में पटौदी पैलेस में आयोजित किया गया था। अगला कार्यक्रम दिल्ली और पंजाब में आयोजित किया गया। भारतीय शूटिंग मार्च के माध्यम में पूरी हुई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे विदेशी स्थानों में फिल्मांकन 15 से 20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में शुरू हुई थी। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुरानिक, आशिम किसमन किमसन, हर्षवर्धन रामेश्वर और गुरिंदर सिंगल द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित है। गीत मनोज मुत्तशीर, राजशेखर सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, गुरिंदर सिंगल, आशिम किमसन और भूपिंदर बब्बल ने लिखे हैं। वही बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो फ्रेंड्स यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारी VFX और डबिंग कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह फिल्म अब 1 सितंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होने वाली है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।